हेलो नमस्कार राम राम, कैसे हो आप सब लोग। ऐसा करता हूँ कि आप सब लोग भी मज़े में होंगे, हम भी यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया है। और अभी मैं और प्रकाश निकलने वाले हैं, जटाशंकर महादेव का मंदिर है उस तरफ। तो अभी तो रास्ता है वो पूरा सुनसान है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे आगे चार पांच बंदे जा रहे हैं, तो बिना रुकावट के हम भी चलते हैं। और जटाशंकर महादेव का मंदिर है वो करीबन 700 पगथिया है, 700 स्टेप के बाद आता है। भैया ने बाइक चढ़ा दी थी, बाइक लेके आ रहे हैं। पानी के झरने की आवाज आ रही है। वो वहां से आ रहा है झरना। यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। प्रकाश कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। गिरनार पूरा चढ़ जाना है? हाँ। प्रकाश का तो मन है लेकिन अभी नहीं। यहाँ पे वाटरफॉल मुझे दिखाई दे रहा है, चलिए चलते हैं। यहाँ पे छोटा सा झरना है, चलिए झरना को देखना है। ठंडा ठंडा पानी है, पूरा का पूरा नेचुरल पानी है। जो बारिश का आता है वो है। यहाँ से ना तो रास्ता है ना तो चिड़िया है, ऐसे ही पत्थर है, उसके ऊपर से जाना होगा।
रास्ते में आपको ऐसे सिंबल देखने को मिलते रहेंगे। अभी मैं और प्रकाश जा रहे हैं। सामने मंदिर दिखाई दे रहा है और जटाशंकर महादेव नाम क्यों किसी ने रखा होगा या क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी मुझे जानने को मिला है कि वहाँ पर शंकर भगवान की जटा है, उसमें से पानी आ रहा है, इसीलिए ही जटाशंकर महादेव नाम से ये जगह प्रसिद्ध होगी। अभी हम लोग जटाशंकर महादेव का मंदिर है यहाँ पे पहुँच चुके हैं।